अरे रिपोर्टर जी प्लीज नीचे आइयो। इतना बाकी है ना, सबका हो गया क्या? ए हो गया तो आगे से पूछा। इधर ही ले रहे हैं। चलो 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 टूट पड़ो। चल भाई जल्दी दादा। चलो चलो एक मिनट एक मिनट चलो जल्दी। अब क्या हो गया? रेडी होने दो। क्या मेरे को रेडी होने दो? सबको सबको। अच्छा चलिए पूछिए अरविंद। चलो कौन क्या पूछ रहा है? सेंटर आप पूछेंगे सबके लिए। ठीक है जी। बीच में हम लोग किस तरह का एक्सपीरियंस रहा टोटल ओवरऑल मैम? सबसे पहले तो 4D के बारे में। 4D के बारे में जब मुझे बताया कि यहाँ लॉन्च होने वाला है, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे ये सच में ये ऐसा लगता है कि सिनेमा गोइंग जो एक्सपीरियंस है वो इन्हांस होगा इससे। और जो एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कैसे लोगों को थिएटर के अंदर लाया जाए, ये उसका एक सोल्यूशन है मुझे लगता है। रिचर्ड डू यू एज यू सेड यू नो कि ये जो डिजिटल का एक्सपीरियंस है वो हो सकता है फ्यूचर में किल करेगा, पीपल विल प्रेफर दिस एक्सपीरियंस मोर, कैन यू एलैबोरेट मोर ऑन दैट? डू यू फील रियली या बिकॉज़ दैट इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर? आई डोंट फील बैड और गुड, आई जस्ट फील लाइक देयर आर सम थिंग्स आर हैपन दैट आर इनएविटेबल, यू नो, लाइक द VHS गॉट रिप्लेस बाय द DVD, यू नो, इट्स जस्ट एन एवोल्यूशन ऑफ व्हाट कीप्स गोइंग ऑन। एंड आई पीछे साइलेंस, सॉरी गाइस, वो एडिट कर देना, ठीक है? सो आई फील लाइक कभी कभी हाँ मुझे बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं फ्रेमिंग में और लोग अपने छोटे से फ़ोन पे छोटे से स्क्रीन में हमारी सारी एक्टिंग और सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, तो कभी कभी मुझे तकलीफ होती है। बट आई अंडरस्टैंड दैट्स द फ्यूचर, दैट्स द वे डेटा, दैट्स द वे टेक्नोलॉजी इज मूविंग फॉरवर्ड। बट आई रियली थिंक दैट देयर इज एन एक्सपीरियंस इन वॉचिंग अ फिल्म टुगेदर। गाइस टॉक समवेयर एल्स, इट डिस्टर्ब्स मी। या मैं भूल गई मैं कहाँ थी, सॉरी यार। या सो द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग समथिंग टुगेदर, यू नो, एक फिल्म में जब चाहे स्पोर्टिंग फिल्म हो या जो भी हो, जब जैसे लगान में जब छक्का पड़ता है, पूरी ऑडियंस एक तरह से एक्सपीरियंस करती है, एक यूफोरिया होता है, तालियां बजती हैं, वो आपको घर में नहीं मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। सो वॉचिंग मूवीज एंड वॉचिंग कॉन्टेंट एट होम, वाइल इट्स ग्रेट बिकॉज इट्स कम्फर्टेबल, आप अपनी किचन से लिविंग रूम में आके रिमोट चला के देख सकते हैं, बट एक जो थ्रिल होता है, जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, एक जोक पे साथ में ठहाके मारने का या साथ में डरने का, वो सिर्फ सिनेमा हॉल में मिल सकता है। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ फीचर रियली एनहांसेस इट। फिल्म बॉलीवुड की जब बात करें, कितना फायदा हुआ, जैसे रिचा आपने जिक्र में करा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि एक मोनोपोली है जब हम फिल्म मेकिंग की, आप फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन रिलीज के लिए भी आपको अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए भी आपको पे करना है। जी जी जी। तो एक और मोनोपोली भी है कि भाई सो एंड सो बिग प्रोडक्शन हाउस का बड़ा होल्ड सा है कि भाई इतने थिएटर मिल जाएंगे लेकिन बाकी फिल्मों को तकलीफ होगी। ये इस तरह से जो अब नई शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी जो भी होगा, लेकिन हाँ लोग आएंगे कि नया तजुर्बा होगा। जी मैं देखिए, नॉर्मल सिनेमा में फिल्म रिलीज़ करना और इस सिनेमा में फिल्म रिलीज़ करना, दोनों का कॉस्ट सेम ही होता है। बट आई थिंक प्रोड्यूसर्स एग्जीबिटर्स को साथ में बैठ के एक तोड़ निकालना पड़ेगा, ये जो बॉटल नेक है PNA का, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी फिल्म मर जाती है। हम लोगों ने तो टोट के आजमा लिए कि हम छोटी फिल्म बनाते हैं मसान जैसी, तो उसको कैन में घुमा के ले आते हैं तो वापस आते हैं, तो लोगों में जागरूकता होती है, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है उसे देखने की। पर हर फिल्म हो, ज़रूरी नहीं कि फेस्टिवल्स में जाए या सेलेक्ट होए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, शायद मुझे पता नहीं आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। राहुल गांधी को लेके जो प्रियंका चतुर्वेदी की जब मैं बात करता हूँ, आपने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी जो आपको सही लगा, क्या मैम? जो प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी शिवसेना ज्वाइन किया, हाँ हाँ, उस पे आपने मैंने एक्चुअली जो मैं कहती हूँ मैं ट्वीट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं और फिर मैं ट्रोल होती हूँ, तो आपको कुछ जानना है तो मेरे ट्विटर फीड पे चले जाइए, वहीं से आप कोड बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इनका अगला सवाल ये होने वाला था, वोट किसको देंगी? चलिए होने हो जाए क्या, मेरा तो बिल्कुल वोट। एक मिनट एक मिनट, मैं इतना शांत मिनट।
Thank you, ma'am. What's so good? First of all, congrats for, you know, this is something absolutely amazing. Thank you. How this whole initiative, whole plan, whole project happened? See, we at INOX always look at what else can we give to a guest and how can we give it to him, whether it's luxury, whether it's service, or whether it's technology. And we were the first to give the entire cinema halls with laser projection to our guests, and we called it the Laserplex. We had the Onyx Samsung LED launched for the first time in Mumbai at INOX. So we've always been ahead of the curve where technology is concerned. And if I can go back a couple of years ago, we also had converted all our analog projectors into digital in a short span of time, where everything in INOX was digital, including having a network operation center which controlled all our screens. So hence we always look at that, what else for our guests? And after having a Laserplex, after having Atmos, after having IMAX, after having Onyx LED, we said now the time is there to partner with MediaMation and give the best 4D technology to our guests. And hence we thought that where, how, when should we do it? And we thought of having it in Malad, where we're standing today, as our first theater to have it, and then launch it with Avengers. And it couldn't have been a better day than this, launching our MX4D with the release of Avengers in India. Do you agree what Richa said inside during your press conference? It's a threat to other people. When you talk about 4D, you know, now she said web series is a threat to cinema. Now when we talk about 4D, there are exhibitors, there are distributors will be coming in, because customer or a cinema goer would experience something absolutely different. Well, I don't call it a threat to anybody. That's her view, but I don't call it a threat to anybody. It's a new format of how you enjoy a movie. So today, we have various formats, and people want to see a movie in the format of their choice, and that's exactly what we are offering our guests. And going forward also, whatever technology is there, the new things which come in, INOX will be the first to adopt it. Thank you. Thank you.